दिस इज दीप्ति सर स्टूडेंट्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड लेट्स नो व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ सॉल्विंग. फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड एंड देयर इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. लेट्स डिस्कस टुडे सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो हाउ इज इट? स्टेप वन, find the value of one variable in terms of the other variable from either equation which is convenient to you. Okay, then step 2, what to do? Substitute this value of y or x, what you have taken, in the other equation and reduce it to an equation in one variable. Okay, when you substitute the value of one in the other, then that is reduced to equation in one variable. Then step 3, substitute the value of x or y obtained in step 2 in the equation used in step 1 to get the value of the other variable. Okay, so these three methods. And students, sometimes you must be thinking, why is the name? So why is it called substitution method? Reason, what we are doing here, we are substituting the value of one variable, okay, and we are expressing it in terms of the other variable. Okay, that's why it is known as substitution method. Let's discuss one example. Root 2x plus root 3y equal to 0, one equation, equation 1. Then root 3x minus root 8y equal to 0, that is equation 2. Let us express y in terms of x from equation 2. Acha dekho pilane mo y ta ku इक्वेशन टू रो जो वाईटा अच्छी एटा को एक्स आकार रे मु एक्सप्रेस करी भी केमती करी भी ताको देखो ताले माइनस रूट एट वाई इक्वल टू माइनस रूट थ्री एक्स है कि नहीं तापर वाई केते ही जो रूट थ्री एक्स बाय रूट एट बुझेला तो एवं रूट एटा को मु लिखी पारि टू इंटू रूट टू मत कैलकुलेशन को सुविधा हम बोली बा इक्वेशन सॉल्विंग की सुविधा हम लिखिदेली. सो रूट थ्री एक्स बाय टू इंटू रूट टू यू मुझे देली इक्वेशन थ्री है आम जोटा बाहर करूवा को इक्वेशन दौर एवं कौन आम कले गोटे सिंपल सेंटेंस रे आम लिखिपर. ओके, सो ये बड़ कथा कि नुह इंग्लीश बेसिक्स तुम गोटे सिंपल सेंटेंस खाली लिख. नेक्स्ट देख आम यहाँ सल्व केमती करूचे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन वन. ओके, इक्वेशन थ्री रे जो पाइले वाई वैल्यू ताकू मु इक्वेशन वन रे पुट कली. इक्वेशन वन टा मोर कौन थिला देख पिलान, इक्वेशन वन टा कौन थिला रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो. ए इक्वेशन रे वाई रा वैल्यू टा पुट कर, ये जो वाई टा मिलला ए वाई रा वैल्यू मु कोथरु पाइली अदर इक्वेशन, तार अर्थ गोटे इक्वेशन रु वाई रा वैल्यू पाइली ताको एक्सप्रेस कली इन टर्म्स ऑफ एक्स, एवं से वाई रा वैल्यू टा को ए इक्वेशन रे इन टर्म्स ऑफ एक्स जदि मु एक्सप्रेस करबी ताले टा लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ रहिलानी, लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गला. तापर जेमती सॉल्व करिया कथा सॉल्व करो. सो पुटिंग द वैल्यू कौन ये बाहर हमर देखो रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स बाई टू इंटू रूट टू इक्वल टू जीरो हो गला. तो सॉल्व कले कौन आसला सेवेन एक्स इक्वल टू जीरो. सो एक्स इक्वल टू जीरो इक्वेशन फोर. पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन फोर इन इक्वेशन टू रूट थ्री इंटू जीरो माइनस रूट एट वाई इक्वल टू जीरो. तो एथु सॉल्व कली मोर आसला वाई इक्वल टू जीरो. सो द सल्यूशन इज एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो. ओके, गॉट इट? ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन. ओके, थ्री एक्स बाय टू माइनस फाइव वाई बाय थ्री इक्वल टू माइनस टू. तो यहाँ को मु एलसीएम नहीं जीवी केते हबो टू थ्री सिक्स, तो सिक्स नहीं गली हेले केते हला नाइन एक्स माइनस एटा है गले 10y इक्वल टू माइनस टू. सल्व करो 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, ता अर्थ 9x माइनस 10y प्लस 12 इक्वल टू जीरो. यहाँ इक्वेशन टू कर दियो. आउ गोटे इक्वेशन आम क्वेश्चन रे x बाय थ्री प्लस y बाय टू इक्वल टू 13 बाय सिक्स. नहीं जाओ एलसीएम सिक्स होगा कैसे हम टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 13 बाय सिक्स और दीपटे सिक्स सिक्स कटिगला जेहेतु डिवाइड होकर अच्छी आम एमती लिखिपर टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 13 और टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस 13 इक्वल टू जीरो. यहाँ को नहीं जाओ इक्वेशन थ्री हला. अच्छा एबे आमे कौन करिबा देख, नाउ लेट्स एक्सप्रेस वाई फ्रॉम इक्वेशन थ्री इन टर्म्स ऑफ एक्स. इक्वेशन थ्री कौन थिला टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस 13 इक्वल टू जीरो.
ताले 3y केते होबो 13 2x y केते होबो 13 2x 3 भूल y लिखि देथिलि तो 13 2x 3 पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ऑब्टेंड इन इक्वेशन 4 ए जो y रो वैल्यू टाकू आमे इक्वेशन 2 रे पुट करिबा हला इक्वेशन 2 मोर कोन थिला देखो कोन पाइथिलि एटा मन रखियो 9x minus 10y plus 12 equal to 0 सब बोले इक्वेशन नंबरिंग करिवो कले हमको सुविधा हो अच्छा देखो ऐसे कौन है ला 9x minus 10 into 13 minus 2x by 3 plus 12 equal to 0 है ला कि नहीं तो 9x minus इटा मल्टीप्लाई करो 10 13 130 इटा पिला माने मो ब्रैकेट रख ली तेरु माइनस टा नेक्स्ट स्टेप रे करी भी तेरु माइनस 20x है ला डिवाइड बाय 3 प्लस 12 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई कर दियो 27x माइनस 130 प्लस 20x प्लस 36 बाय 3 इक्वल टू 0 तो कते आसीब 27x 20x कते होला 47x माइनस 130 एटा 36 अछि कते होबो माइनस 94 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0 और 47x माइनस 94 इक्वल टू 0 47x कते हेगला 94 बुझि पालो पिले माने तो x कते होला 94 बाय 47 इक्वल टू 2 गॉट इट नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 रे आमे वैल्यूटा पुट करबा इक्वेशन 3 कोटा नेचो देखो एटा बाहर थला मोर इक्वेशन 3 एटा 2x plus 3y minus 13 equal to 0 एथरे से वैल्यू टा पुट करो ताले 2x means 2 into 2 plus 3y minus 13 equal to 0 तो 4 plus 3y minus 13 equal to 0 3y minus 9 equal to 0 3y हेला 9 y ही गला 9 by 3 3 okay so the solution is x equal to or y equal to 3 I hope all my students understood this and this is for standard 10 students okay and students if you like my video then do subscribe to my channel and do comment on that okay thank you I will come with a new video in my next YouTube video thank you